हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ताड़पत्री फिल्म रिव्यू। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है दी 13th वॉरियर, जो कि पूरी तरह से एक्शन थ्रिलर और एडवेंचर पे बेस्ड है। मूवी में कहानी की शुरुआत होती है अपने हीरो से, जिसको बाहर निकाला जाता है और वो भटकते भटकते एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पर उसको दूसरी जमाती के लोग मिल जाते हैं जो कि योद्धा रहते हैं। अपने हीरो को उनकी भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन अपने हीरो के साथ उसके पिताजी के एक दोस्त रहते जो काफ़ी बूढ़े रहते, जिनको दूसरी भाषाएं भी आती, तब वो उन लोगों के साथ दूसरी भाषाओं में बात करते। ऐसे कुछ दिन जाते हैं। एक दिन अचानक छोटा राज अपनी सेना के साथ वहाँ पर आता है, उनके राज्य को बचाने की मदद मांगता है और ये नया राजा और उस शर्त को मान लेता है और उनके रिवाजों के हिसाब से किसी लड़ाई को जाने से पहले एक प्रीस्ट रहती है जिसे बुलाकर वो और उनके रिवाजों के अनुसार जो कि उनको सलाह देती है। और वो औरत कहती है आपको 13 वॉरियर भेजने होंगे, उनमें से 12 वॉरियर यहाँ से होंगे और 1 वॉरियर नॉर्थ साइड का होगा और हमारा हीरो नॉर्थ से ही आया होता है। उसकी कोई भी इच्छा नहीं होती लेकिन उसको उनके साथ जाना पड़ता। बाकी के जो वॉरियर रहते हैं वो बहुत हट्टे कट्टे रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन हमारा जो हीरो रहता है वो वीक रहता है और उसका खूब मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन शरीर छोटा होने के भी बहुत सारे फायदे होते हैं और वो हीरो उनको दिखाता है। और आगे चल उसके बाद वो 13 वॉरियर जिस राजा ने मदद मांगी है उसके राज्य में चले जाते हैं। उस राज्य पर बहुत बड़ा संकट आया होता है, एक सफ़ेद तूफान आता है, उस गाँव में जो भी है उन सबको मार के चला जाता है, तो वो लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं और उन लोगों में बहुत सारी चर्चा होती है कि वो आदमी नहीं है, वो हैवान है। तो उन हैवानों का ये 13th वॉरियर कैसे सामना करते हैं और आगे क्या होता है, ये देखने के लिए आपको ये मूवी ज़रूर देखनी पड़ेगी। सो इट्स अ मस्ट वॉच फॉर ऑल मूवी फैंस। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।